हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी में। दोस्तों, अपने सभी वीडियो की तरह यह वीडियो भी एक मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन लाइन है आपके लिए, यूं नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बनाया आसियाना, पूछा चिड़ियों से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरती भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। तो दोस्तों, चिड़ियों को अपना आसियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए बार बार उड़ान भरती पड़ती है और एक एक तिनका लाके वो अपना घर बनाती है, अपना आसियाना बनाती है। तो उनके अंदर वो जुनून होता है कि अपना आसियाना बनाने का, जो उनको हिम्मत देती है कि बार बार उड़ान भर के एक एक तिनका लाके अपना घर बनाती हैं। तो ऐसा ही जुनून आपके अंदर भी होना चाहिए कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़े, पर रोज़ पढ़ें। इससे ये होगा ना कि आपका वो तिनका तिनका, आपका थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ ना, एक दिन आपके एग्ज़ाम में आपकी इतनी हेल्प करेगा, आप पूरा पेपर क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है या फिर प्रस्तावना क्या होती है? तो वह दस्तावेज जिसको देखने से तीन बातें पता चलती है। पहला क्या कि जो संविधान है या फिर जो कानून है उसका उद्देश्य क्या है। जहाँ पर किसी भी संविधान या कानून का उद्देश्य लिखा हो उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। तो क्या पहली बात है क्या कि उसका उद्देश्य क्या है, और बात दूसरी बात क्या पता चलती है हमें प्रस्तावना को देखने से, कि जो कानून होगा या जो है संविधान होगा उसका विस्तार कहाँ तक होगा, वह कहाँ कहाँ लागू होगा, ये दूसरी बात पता चलती है। और तीसरी बात क्या पता चलती है अगर हम संविधान, किसी भी देश का संविधान या प्रस्तावना को देखें तो, कि जो संविधान या कानून है, जो बन रहा है कानून या संविधान, वह लागू कब होगा। तीन बातें हमें यहाँ से पता चलती है, कहाँ से, प्रस्तावना से। एक तो उद्देश्य क्या होगा, दूसरी यह कि वह लागू कहाँ होगा, और तीसरी बात यह कि वह कब लागू होगा। तो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं। अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखें तो यहाँ से हमें क्या, हम भारत के लोग, देखिए सबसे पहले प्रस्तावना में क्या लिखा है, हम भारत के लोग। अगर हम प्रस्तावना को देखते हैं तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट है कौन है। देखिए यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो हम भारत के लोग ये शब्द है या कहाँ पर संविधान के किस भाग में कहाँ पे लिखा है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा कि जो हम भारत के लोग है ये सिर्फ प्रस्तावना में लिखा है और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हम भारत के लोग जो वर्ड है, जो शब्द है, यह सिर्फ प्रस्तावना में लिखा है, ठीक है। और देखिए अगर हम देखते हैं हम भारत के लोग, इस शब्द से हमें और क्या पता चलता है, इस शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि भारत में सुप्रीम कौन है, संविधान में सुप्रीम कौन है। देखिए संविधान भले ही संविधान सभा के द्वारा बनाया गया हो, बट यहाँ पर क्या लिखा, हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण जनता की बात यहाँ हो रही है, भारत के पूरे जनता की बात यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर सुप्रीम कौन है, तो इस लाइन को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सुप्रीम कौन है। राष्ट्रपति सुप्रीम है, सांसद सुप्रीम है, या फिर प्रधानमंत्री सुप्रीम है, या न्यायपालिका सुप्रीम है। तो अगर आप पहली लाइन को ही पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम भारत के लोग, यहीं से पता चल रहा है कि भारत में सुप्रीम भारत की जनता है, भले ही यह संविधान सभा द्वारा बनाया गया पर इसमें जो है पूरी जनता इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब यहाँ पर लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब है? इस शब्द से तो आप लगभग परिचित होंगे। अब्राहम लिंकन की वह परिभाषा कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित सरकार या बनाई गई सरकार लोकतंत्रात्मक सरकार कहलाती है, लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जिसमें जनता सीधे इन्वॉल्व हो, जनता जिसमें सीधे भाग लेती हो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष, और जिसमें जनता इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व हो उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट तरीके से मतलब है कि वहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक समाजवादी वर्ड आता है। अब इसका मतलब क्या है समाजवादी? समाजवादी की हम परिभाषा, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए किसी भी देश का जो संविधान होता है या किसी भी देश की जो सरकार होती है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो पूंजीवाद एक तो समाजवाद। हम क्या हैं? हम समाजवादी हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ निजी संपत्ति का कोई भाव नहीं होता है। हम समाजवाद उसको कह सकते हैं जहाँ पर उस देश की सरकार जितने भी संसाधन है उस पर जो है उस देश की सरकार का अधिकार हो, ऐसी व्यवस्था को हम समाजवादी कहते हैं। तो हम क्या हैं? हम समाजवादी हैं। देखिए नेक्स्ट है गणराज्य, रिपब्लिक। रिपब्लिक ये वर्ड क्या है? इस वर्ड का क्या मतलब है? रिपब्लिक शायद आप लोग इस वर्ड से भी परिचित हों। रिपब्लिक का मतलब होता है कि किसी भी देश या समय या राज्य में जो सर्वोच्च पदाधिकारी हो अगर वह निर्वाचित होता है तो, या अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से अगर वह निर्वाचित होता है तो हम उस देश को गणराज्य बोलते हैं। देखिए भारत में जो है यहाँ वंशानुगत तो शासन नहीं है, यहाँ पर चाहे सर्वोच्च पदाधिकारी हो चाहे कोई भी हो वह निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा निर्वाचित हो जाता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो पर निर्वाचित होता है। और यहाँ पर देखिए एक शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? यहाँ पर पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या मतलब है? पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, इसको दोनों शब्द को एक तरह से लिया जाता है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यहाँ होता है कि जो सरकार है जो राज्य है वह किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देगा वरन वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगा। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध किसी भी धर्म से हो, आपको अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की बिल्कुल छूट है। आप अपने धर्म के अनुसार अपना जो है जीवन यापन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल पूरी तरह छूट है। वह किसी धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा और सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगा। देखिए अगर आप प्रस्तावना की चंद लाइनें देख लेना तो आपको पता चलता है कि हमारे संविधान का हमारे कानून का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमें क्या पता चलता है इसकी लाइनों को देखने से कि इसका उद्देश्य क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखिए यहाँ पर संविधान में अगर हम देखें तो यहाँ तीन तरह का न्याय हमें संविधान देता है। कौन सा? समाजवादी, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। अब इस लाइन को, इसके जो प्रस्तावना में जो न्याय की
बात कही गई है, तीन तरह की न्याय की बात कही गई है, उसको आप इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, समाजवादी, आर्थिक एवं राजनीति। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है और इस वर्ड को पूछता है कि प्रस्तावना में दिए गए न्याय शब्द का सीक्वेंस है या उसको क्रम में लगाने के लिए बोलता है, तो क्या रहेगा, समाजवादी, आर्थिक एवं राजनीतिक, या फिर ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है राजनीतिक, आर्थिक, समाजवादिक, या फिर आर्थिक, समाजवादिक और राजनीतिक। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इसका उल्लेख और कहाँ पे है, देखिए ये जो यहाँ पर न्याय की बात कही गई है, समाजवादी, आर्थिक एवं राजनीतिक, इसका उल्लेख हमें मिलता है DPSP में। DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में भी हमें जो है समाजवादी, आर्थिक एवं राजनीतिक शब्द का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि समाजवादी का आर्थिक एवं राजनीतिक वर्ड का या शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है। तो आपका ऑप्शन अगर है DPSP और प्रस्तावना, तो आप दोनों को टिक करेंगे, ठीक है, दोनों साथ में रहेगा तो आप साथ में टिक करेंगे, अदरवाइज आप अगर एक ही ऑप्शन है चाहे DPSP और प्रस्तावना, तो आप किसी को भी टिक कर सकते हैं, पर आप इसका सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा। और देखिए संविधान को देखने से क्या पता चलता है, संविधान में हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती है, प्रस्तावना में उसकी प्रस्तावना को देखने से पता चलता है, प्रस्तावना में उसके संविधान हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। वैसे तो मौलिक अधिकार के आर्टिकल 19 को अगर आप देखेंगे तो वहां पर 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, और हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की यहाँ पर स्वतंत्रता का उल्लेख है। पहला क्या है, विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना में उल्लेखित है। और क्या स्पष्ट होता है हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखने से, तो आगे देखिए यहाँ एक बात और लिखी है, समानता, यहाँ प्रस्तावना में समानता की भी बात कही है, अगर हम आगे संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं। देखिए यहाँ प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है, यहाँ साफ शब्दों में लिखा है क्या, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब ये जो अवसर की समता है, समानता अवसर की, अगर हम एक आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स अगर हम देखते हैं, तो उसका एक आर्टिकल है आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 16। अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पर हमें अनुच्छेद 16 में भी अवसर की समानता की बात कही गई है। तो क्वेश्चन यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि अवसर की समानता कहाँ कहाँ उल्लेखित है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और उसमें ऑप्शन में चाहे प्रस्तावना रहे या फिर आर्टिकल 16 है या अनुच्छेद 16 रहे, तो आप दोनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं, ठीक। और अगर हम आगे देखते तो हमें एक वर्ड और मिलता है, हमने क्या क्या अभी देखा, इसमें न्याय देख लिया, स्वतंत्रता देख लिया और समानता देख लिया। संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख, स्वतंत्रता का उल्लेख है और समानता का उल्लेख है। जब हम प्रस्तावना को और आगे देखते हैं तो उसमें एक वर्ड हमें मिलता है, कौन सा, बंधुत्व। देखिए बंधुत्व एक वर्ड हमें मिलता है, इसका क्या मतलब है, बंधुत्व, भाईचारा, भ्रातृत्व, जिसको हम भाईचारा या भ्रातृत्व भी कहते हैं, बंधुत्व एक वर्ड मिलता है। और ये जो हमारे स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये 3 वर्ड हैं, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा बन सकता है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो प्रस्तावना में 3 शब्द उल्लेखित है, कहाँ से लिए गए हैं। इसका आंसर आप फ्रांस ही लगाइए, क्योंकि यहाँ से, फ्रांस से ही ये वर्ड लिए गए हैं।
स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, जिसका अर्थ होता है बंधुत्व का भाईचारा या भ्रातृत्व। ठीक है, और अगर हम देखिए यहाँ लास्ट लाइन देखते हैं, प्रस्तावना की लास्ट लाइन देखते हैं, क्या लिखा है, आज तारीख या आज दिनांक 26 नवंबर 1949, क्या लिखा है, 26 नवंबर 1949, यहाँ पर उस संविधान के उस कानून के लागू होने की तिथि भी लिखी है। क्या लिखी है, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो क्या लिखा है, संविधान का उद्देश्य, कानून का उद्देश्य लागू कहाँ होगा, उसका विस्तार कहाँ तक होगा और उस कानून का, उस संविधान के लागू होने की दिनांक, उसकी तारीख यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखी गई है। और थोड़ा आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं इस प्रस्तावना को पूरा, तो देखिए नीचे लास्ट में क्या लिखा है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित। इस तीन वर्ड का क्या मतलब है, अंगीकृत मतलब हम इसको स्वीकार करते हैं, अधिनियमित हम इसको आज से लागू करते हैं और आत्मअर्पित अपने आप को समर्पित करते हैं, संविधान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। इस तीन वर्ड का ये जो अर्थ है, देखिए संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, कब लागू, कहाँ लागू होगा, विस्तार क्या हो, कब लागू होता है, लागू हुआ, इसको हमने देख लिया। अब यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, आप पहले एक बार संविधान की इस प्रस्तावना को पूरा देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजवादी आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित करते हैं। देखिए यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो संविधान की प्रस्तावना उसमें भारत शब्द कितनी बार आया, और एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो भारत शब्द है, भारत शब्द है या संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार आया है। तो अगर हम पहली लाइन को देखें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए पहली लाइन में यह स्पष्ट हो जा रहा है, हम भारत के लोग भारत को, इस दो बार भारत वर्ड के अलावा कहीं भी भारत का उल्लेख नहीं है। तो पूरे प्रस्तावना में कितनी बार आया है, सिर्फ दो बार उल्लेख हुआ है भारत का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। और एक बात और, किस प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ, इसकी इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें एक बार अभी तक संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तीन वर्ड जोड़े गए हमारे प्रस्तावना में, क्या जोड़ा गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता,
ये तीन वर्ड हमारे संविधान में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक बन सकता है कि हमारे संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसमें कौन से वर्ड नहीं है। ये तीन वर्ड आप जरूर याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन वर्ड जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। उसके पहले हमारे संविधान में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये तीन वर्ड नहीं थे। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर से एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।